हेलो एवरीवन, लार्सन स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस, वाक्य के भाग। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले आज के विचार को देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल फेल नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी और इंटेलिजेंस बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिजायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। अधिकतर लोग इसलिए फेल नहीं होते हैं कि उनमें योग्यता नहीं होती या उनमें दिमाग नहीं होता है। वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सपना नहीं होता है, उस सपने की कोई दिशा नहीं होती, ना कोई प्लान होता है, ना ही वो उस सपने के लिए दृढ़ विश्वास रखते हैं और ना ही उनमें कोई अनुशासन होता है। योग्यता और बुद्धिमानी के साथ साथ व्यक्ति में अनुशासन होना, एक निश्चित दिशा में उसके लिए कार्य करना निरंतर, अगर ये सारी चीजें हैं तो व्यक्ति सफल हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। लेकिन अगर आज की क्लास से पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, हमने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी है, अगर आप जाके देख सकते हैं। उससे होगा क्या, आपको इंग्लिश की एक एक छोटी छोटी चीजें बहुत ही अच्छे से आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं है, हमें इंग्लिश समझना है। इंग्लिश समझ ली, हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, सेंटेंस वाक्य के दो भाग होते हैं। वो दो भाग कौन से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, दूसरा होता है प्रेडिकेट, हिंदी में बोलते हैं विधेय। तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं। जैसे अभी इससे प्रीवियस क्लास में हमने सेंटेंस के प्रकार देखे थे कि पांच प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब हम यहां देख रहे हैं कि जो सेंटेंस पांच प्रकार के भी होते हैं तो उस एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। वो दो भाग कौन से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अभी सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वो भी देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य। सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। तो सेंटेंस जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, मतलब उसके बारे में बताते हैं। जैसे राजेश, एग्जांपल देखते हैं, राजेश बोट अ पेन, राजेश ने एक पेन खरीदा। राजेश बोट अ पेन, राजेश ने एक पेन खरीदा। तो इस सेंटेंस में हमें पता है राजेश क्या है, सब्जेक्ट है, और राजेश बता रहा है कि राजेश, और सबसे अच्छी बात क्या है, राजेश बोट अ पेन, राजेश क्या कर रहा है वो कौन बता रहा है, सेंटेंस का भाग। हमने भी बोला सेंटेंस का वह भाग, सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है, ये सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं। तो हम बता रहे हैं कि राजेश ने क्या किया, राजेश ने पेन खरीदा। हम और भी लिख सकते हैं, ही स्टडीज वहां पढ़ता है, ही स्टडीज वहां पढ़ता है। तो हमने बताया कि ही स्टडीज वहां पढ़ता है, पढ़ कौन रहा है, ही सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। आइए एक्सप्लेन समझते हैं। इस वाक्य में राजेश, ये रहा राजेश, वाक्य का सब्जेक्ट है क्योंकि राजेश के बारे में बताया गया है। तो राजेश इस वाक्य का सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट होता क्या है, समझ में आया, सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। तो हम राजेश के बारे में बोल रहे हैं और राजेश इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। अब सवाल आता है, क्या सर हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो तो एक से अधिक शब्दों में होते हैं, तो क्या सब्जेक्ट एक से अधिक शब्दों में भी होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, एक से अधिक शब्दों में भी सब्जेक्ट होते हैं। आइए वो भी देखते हैं कि कैसे एक से अधिक शब्दों में सब्जेक्ट होते हैं। हम इंग्लिश को बनाना सीख रहे हैं। अगर आप बिना स्किप करे हुए वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। तो देख बने रहिए, देखते रहिए। देखो, सब्जेक्ट में एक से अधिक शब्द हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, एक शब्द का नहीं होता है, एक से अधिक शब्दों में भी सब्जेक्ट होते हैं। और जो हम जितने भी पढ़ रहे हैं, जैसे हमने सेंटेंस देखा था तो हमने आपको बताया था कि इंग्लिश बोलते या लिखते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और अगर उन शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाए तो वो एक सेंटेंस होता है। तो हम अभी सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में देखा कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है उसको एक से अधिक शब्दों में लिख सकते हैं, बट हमने ऐसा नहीं बोला है कि प्रेडिकेट को भी एक से अधिक शब्दों में, वो बाद में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट को एक से अधिक शब्दों में लिखा जा सकता है या लिखते हैं या यूज करते हैं। तो बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई, हमने यहां एक शब्द का प्रयोग किया सब्जेक्ट में, या प्रेडिकेट में एक शब्द का प्रयोग किया, या सब्जेक्ट के लिए एक शब्द
प्रेडिकेट के लिए भी एक शब्द, हमने यहां प्रेडिकेट में एक एक शब्द यूज किया है ठीक है, लेकिन अभी हम सब्जेक्ट में एक से अधिक शब्दों का, तो यहां पे सब्जेक्ट के स्थान पे हमने एक शब्द यूज किया, बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई। अब यहां पे सब्जेक्ट में दो दो शब्दों का यूज किया, एक और दो, हमने एक और दो दो शब्दों का प्रयोग किया सब्जेक्ट में। हमने बोला भी है कि सब्जेक्ट में एक से अधिक शब्द हो सकते हैं, सब्जेक्ट में एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाते हैं, वो सेंटेंस ही क्या है, उसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो। हम समझना सीख रहे हैं, और जब समझना सीख गए तो वी कैन मैक इंग्लिश, कुछ भी पूछ लें, कुछ भी चाहता हो एग्जामिनर, हम बना देंगे। तो सब्जेक्ट में हमने एक शब्द का प्रयोग किया था या दो, द बर्ड्स फ्लाई, वे पक्षी उड़ते हैं, द ब्यूटीफुल बर्ड्स फ्लाई, सुंदर पक्षी उड़ते हैं। यहां पे तीन शब्द, एक दो तीन, द ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट, कितने शब्द हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, फ्लाई। प्रेडिकेट एक ही शब्द का है लेकिन सब्जेक्ट एक से अधिक शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं, या एक से अधिक शब्दों का उपयोग करके हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर केस में प्रेडिकेट एक ही शब्द का होगा और सब्जेक्ट में कई शब्द यूज करेंगे। ये तो समझाने के लिए आपको कि सब्जेक्ट को एक से अधिक शब्दों में हम लिख सकते हैं या लिखते हैं। तो बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई, वे पक्षी उड़ते हैं या वहां पक्षी उड़ते हैं, द ब्यूटीफुल बर्ड्स फ्लाई, सुंदर पक्षी उड़ते हैं, द ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्लाई, जंगल के सुंदर पक्षी उड़ते हैं। तो ये हमारी सब्जेक्ट की कहानी थी। आइए इसके बाद देखते हैं प्रेडिकेट की कहानी, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट का यूज कैसे करते हैं, या कौन से भाग को प्रेडिकेट करते हैं, आइए समझते हैं। आइए प्रेडिकेट को देखते हैं कि प्रेडिकेट विधेय क्या होता है। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब प्रेडिकेट क्या होता है, उद्देश्य के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेगा। और वहां पे भी देखा था सब्जेक्ट की डेफिनेशन में कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। कि कहने का मतलब यह है कि जो प्रेडिकेट है वो भी सब्जेक्ट के बारे में बोलेगा, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी सेंटेंस के द्वारा कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। तो बस सिंपल है, सब्जेक्ट को ही लेकर पूरी पूरे सेंटेंस को बनाया जाएगा। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, एग्जांपल देखते हैं, द बॉयज बाथड इन द रिवर, द बॉयज बाथड इन द रिवर, लड़कों ने नदी में स्नान किया, लड़कों ने नदी में स्नान किया। अब ये किया है तो अब इसमें इस जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है द बॉयज, इसके बारे में बता रहा है, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब यहां पे दो शब्दों का सब्जेक्ट है, अब इससे पहले देखा हमने कि यहां पे दो शब्दों का प्रयोग करके सब्जेक्ट बनाया, बाथड इन द रिवर, चार शब्दों का उपयोग करके प्रेडिकेट बनाया, पर अभी हम समझ रहे हैं प्रेडिकेट। तो इस समय बोला है कि द बॉयज बाथड इन द रिवर, लड़कों ने नदी में स्नान किया। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हो गया द बॉयज, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट द बॉयज हो गया, और जो प्रेडिकेट है वो बॉयज के बारे में बता रहा है। उद्देश्य, इस उद्देश्य को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, तो द बॉयज इस सब्जेक्ट के बारे में ये प्रेडिकेट बता रहा है। और हमने बोला कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है या उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे ही प्रेडिकेट कहते हैं। तो लड़कों ने नदी में स्नान किया, ये कौन बता रहा है कि नदी में स्नान किसने किया, लड़कों ने, प्रेडिकेट बता रहा है। तो इस वाक्य में बाथड इन द रिवर वाक्य के सब्जेक्ट द बॉयज के बारे में बताता है, बाथड इन द रिवर सब्जेक्ट द बॉयज के बारे में बताता है। तो ये हो गया प्रेडिकेट। कुल मिला के बात यह है कि जो सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो जो सेंटेंस होगा वो सेंटर, जो सेंटेंस का सेंटर फोकस होगा वो होगा सब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस भी सब्जेक्ट के बारे में बताएगा और प्रेडिकेट भी सब्जेक्ट के बारे में ही बताएगा। तो अब सवाल आता है कि जैसे हमने सब्जेक्ट को देखा था कि सब्जेक्ट को हम एक से अधिक शब्दों में लिख सकते हैं, तो क्या प्रेडिकेट को भी एक से अधिक शब्दों में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने लिख के भी बताया, एग्जांपल है, आइए उसे भी देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट की भांति प्रेडिकेट भी एक से अधिक शब्दों में बना हो सकता है, सब्जेक्ट की भांति प्रेडिकेट भी एक से अधिक शब्दों में बना हो सकता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए एक सरप्राइज है, सरप्राइज है कि
वीडियो के एंड के बाद हम एक्सरसाइज रखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें कितना समझ में आ रहा है। तो वीडियो की एक्सरसाइज को बिल्कुल करेंगे हम, तो उससे हमें एग्जैक्ट हमें एक ओवरव्यू समझ में आएगा कि हमें कितना समझ में आ रहा है। और अगर कुछ रहता है कुछ इत्तू इत्तू सा इन्नी इन्नी बड़ी इंग्लिश में, तो वो भी समझेंगे हम। आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट की भांति प्रेडिकेट भी एक से अधिक शब्दों में बना हो सकता है। अब इस केस में हम सब्जेक्ट को नहीं चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को सेम रखा, प्रेडिकेट को एक से अधिक शब्दों में बढ़ाएं। तो द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते। द बर्ड्स फ्लाई हाई, पक्षी ऊंचा उड़ते। यहां पे देखो सब्जेक्ट दो शब्दों में है, सब्जेक्ट को हमने दो शब्द में रखा, लेकिन यहां पे प्रेडिकेट पहले एक शब्द में था, यहां पे दो शब्द में हो गया। या दो शब्द में सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, एक दो तीन चार पांच, सब्जेक्ट एक दो तीन चार पांच छह। मतलब प्रेडिकेट को भी हम एक से अधिक शब्दों में लिख सकते हैं और सब्जेक्ट को भी। तो ये हमारे सेंटेंस का आज सेंटेंस के भाग थे जिन्हें आज हमने पढ़ा। इनको अगर समझ लिया तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और इंग्लिश में स्पेशली हमें समझना ज़रूरी है। इसमें दिक्कत ये आती है क्योंकि हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। अगर हम समझते नहीं हैं तो हमें क्या बनाना नहीं आता, हमें बनाना सीखना है, उसके लिए समझना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने देखा कि जो सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, और हमने दोनों को समझा भी है। अगर हमारे साथ इसी प्रकार की इंग्लिश जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना याद रखें, क्योंकि इससे आपको जो न्यू वीडियोज़ जो अपकमिंग वीडियोज़ रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। चलिए एक्सरसाइज के साथ आप लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, एक्सरसाइज करके देखिएगा, उसमें समझ के देखिएगा कि कौन सा भाग सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।